हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सरकार ने 2000 के नोट को बंद कर दिया है, जल्द ही वो बैंकों में जमा होना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि आपको 2000 के नोट को बैंक के अंदर 30 सितंबर से पहले जमा कराना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2000 की नोट को छापने के लिए कितना खर्च आता था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं 2000 की नोट को छापने के लिए सरकार कितना पैसा खर्च किया करती थी। नोट की छपाई में आने वाला खर्च हर नोट के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर 2000 रुपये के नोट की बात करें तो इसका एक नोट छापने का खर्चा 4 रुपये के आसपास होता है। 2018 में 2000 रुपये का एक नोट छापने में 4.18 रुपये का खर्च आया करता था, जबकि 2019 में 2000 रुपये का एक नोट छापने में 3.53 रुपये खर्च हो रहे थे। हालांकि इसके बाद 2000 रुपये के नोट की छपाई बंद हो गई थी, तभी से 2000 रुपये के नोट बंद होने वाले हैं, इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर चला करती थी। आखिर सरकार ने 2000 रुपये के नोट को बंद कर दिया है और उसको हमें 30 सितंबर से पहले बैंकों में जाकर जमा कर लेना होगा। दोस्तों, सरकार के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।